हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि वीमिक्स सॉफ्टवेयर से हम यूट्यूब पे लाइव कैसे जा सकते हैं ओनली 2 मिनट में। तो बेसिकली ये तो बहुत इजी स्टेप है। आप लोगों को अगर वीमिक्स सॉफ्टवेयर में किसी भी बात में कंफ्यूजन हो, कोई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जरूर आप लोगों को उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। मैंने वीमिक्स सॉफ्टवेयर एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जो आप इसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली अपने यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइव कोई भी फेसबुक किसी भी चीज में, यानी बेस्ट सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और तो ये मेरा एक्सपीरियंस करीबन मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। मैंने इसे यूज किया है, करीबन 7 साल से यूज कर रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला था, बट मेरा माइंड था कि चलिए हम यूट्यूब पे डालते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इसे यूज कर रहे हैं कितने लोग कर रहे हैं, तो हमें भी पता चले कि आखिरकार कितने लोग यूज कर रहे हैं लिनक्स सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम आप लोगों को डेस्कटॉप पे ले चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम यूट्यूब पे लाइव कैसे जा सकते हैं ओनली 2 मिनट में। तो चलिए, तो हम लोग अपने डेस्कटॉप पे आ गए। अब चलिए गूगल क्रोम ओपन करते हैं और यूट्यूब में लॉग करते हैं। तो हमने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा हुआ है, आप लोगों को भी लॉग इन कर लेना है और उसके बाद यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब में आपका ऑलरेडी लॉग इन हो जाएगा। तुम्हें अपने लोगो के आइकॉन पे क्लिक करना है, उसके बाद योर चैनल पे जाना है। योर चैनल पे जाने के बाद हमें कस्टमाइज चैनल में जाना है। कस्टमाइज चैनल में जाने के बाद हमें वीडियो मैनेजर में जाना है। चलिए हम वीडियो मैनेजर में चले जाते हैं। वीडियो मैनेजर में जाने के बाद हमें इसे ओपन करना है क्रिएटर स्टूडियो क्लास में। तो चलिए हम इसे ओपन कर देते हैं। तो हमारे सामने पॉपअप सा ऐसे आ जाएगा, तो आपको इसे स्किप कर देना। तो हम इसे स्किप कर देते हैं। तो हमारे सामने एक खुद दिख रहा है लाइव स्ट्रीमिंग, तो इसे हमें लाइव स्ट्रीम क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद हमें हल्का सा इसे स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करने के बाद हमें आपके सामने इनकोडर सेटअप में दिख जाएगा आपको सर्वर यूआरएल स्ट्रीम, यही हमारा मेन है। तो चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो कंट्रोल सी से कॉपी कर दिए। तो अपने वीडियोस वाले सॉफ्टवेयर में चलते हैं हमारे, और यहाँ से आपको स्ट्रीम पे करना है। यहाँ से आपको स्ट्रीम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ यूआरएल आपको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपको स्ट्रीम की लेना है, स्ट्रीम की को भी आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको उसमें जाना है। कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट कर देना है। बस हो गया, आपको और कुछ नहीं करना है, ओनली स्टार्ट पे क्लिक देना। स्टार्ट क्लिक करने के बाद आप अपने यूट्यूब पेज करेंगे तो लाइव हो जा रहा है। तो दोस्तों चलिए हम स्टॉप कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको अगर किसी भी वीडियो का नीड हो, किसी भी आपको जानकारी चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट में लिख के हमें बताइए, हम जरूर वीडियो बनाएंगे। हम रिव्यू के भी वीडियो डालते हैं, टेक्निकल के जो भी होगा सारे हम पोस्ट डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग आई होप अच्छे होंगे और हमारा फुल सपोर्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।